नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं स्पिरिचुअल हिंदुस्तानी। दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुद्दे को लेके आए हैं जो कि हर किसी ने इस चीज को देखा होगा और दुख भी जताया होगा और खुद भी वो गलती की होगी 100%। ये मेरा कहना है क्योंकि ये गलती मैंने भी की है, इस चीज को मैंने ऑब्जर्व किया काफी। दोस्तों, फिर मैंने और मेरा जो पार्टनर है, हमने इस बारे में काफी सोचा। हमने सोचा हमें इस वीडियो को, मतलब इस मुद्दे को लोगों तक पहुंचाना चाहिए क्योंकि इस मुद्दे में शायद बहुत कम लोग सोच रहे हैं। तो अभी मैं आपको जो बताने वाला हूं, हमने उसमें हमारे को कुछ सॉल्यूशन मिले भी हैं, एक दो छोटे छोटे, जिसके लिए हम आपको बताएंगे। और हम ये आपसे भी दरख्वास्त करेंगे कि आपके पास भी अगर कुछ हो तो आप बताएं। पहले हम आपको बताते हैं मुद्दा क्या है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप पीछे देखिए, मैं एक पार्क में खड़ा हुआ हूँ। इस पार्क में आप देखेंगे कि कुछ आपको मूर्तियां दिखाई दे रही होगी भगवान की। ये मूर्तियां लोग आते हैं ऐसे ही रख जाते हैं, कभी वो पीछे से फिर वो गिर जाती है, पैरों में आती है, जो कि बड़ा दुख होता है देख के। और इस चीज को ये काम हम भी करते हैं, चाहे जाने जाने या अनजाने में। और मैंने 2-3 सालों से इस चीज को मैं काफी ऑब्जर्व कर रहा था और मैंने अपने घर में भी कुछ सॉल्यूशन किया, मैं आपको वो भी बताऊंगा। और इसके लिए हम बाहर लोगों के लिए क्या कर सकते हैं, क्या दिखा सकते हैं, मैं उसका भी आपको एक सॉल्यूशन एंड में बताऊंगा। पहले आप देख सकते हैं मूर्तियां ऐसे रखी हुई है, ये देखिए, यहाँ पे गणेश लक्ष्मी जी की, जो कि दिवाली के टाइम पे हम गणेश भगवान लक्ष्मी भगवान की मूर्ति की पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद हम उसको बाहर निकाल के रख देते हैं और हमें तो ऐसा लगता है कि हमने तो अच्छा काम किया, हमने उठा के रख दी, पीछे से जो मर्जी होता रहे। बट ये बहुत गलत है, गलत है, क्योंकि उसके बाद उस मूर्ति का आपको नहीं पता क्या हो रहा है। वो पैरों में आती हैं, कूड़े में जाती हैं, और अभी देखिए कैसी किस कंडीशन में पड़ी हुई है यहाँ पे मूर्ति। कुछ मूर्ति नीचे भी थी जो कि हमने उठा के ऊपर रख दी, और आप देख सकते हैं धूल मिट्टी गंदगी, जिनकी हम पूरे साल पूजा करते हैं उन्हीं भगवान को हम यहाँ रख देते हैं। हमारी इसमें किसी को दिल दुखाने के लिए ये हम वीडियो नहीं बना रहे, बस हम जागरूक करने के लिए वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि ऐसा हम सब ये खुद करते हैं, ये मैं भी करता हूँ और शायद आप भी करते होंगे। तो आप इस वीडियो, और कई जगह पे ऐसा होता है कि जैसे कि आप उस साइड में देख सकते हैं शिवलिंग रखी हुई है, तो यहाँ पे किसी ने मंदिर बना रखा है, यहाँ पे पूजा भी होती है इस पार्क में, पर ऐसे ही लोग ये मूर्तियां रख जाते हैं। हम ये आपसे दरख्वास्त करेंगे, प्लीज ऐसा ना करें, मूर्तियां ना रखें। आप वीडियो में और देखेंगे आगे, अभी मैंने आज मतलब आगे मैंने यमुना पे जाके भी, यमुना जी दिल्ली में आपने देखा होगा, वहां पे भी लोग बाग प्रवाह करने के लिए यमुना जी में डाल देते हैं, जो कि गवर्नमेंट भी बोलती है कि पानी की इससे गंदगी होती है, मतलब पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है कि हम ऐसे मूर्ति या ऐसी चीजें डालें। तो दोस्तों, आप ऐसा ना करें। और आप वीडियो में देख सकते हैं, मैं अब आपको दिखाऊंगा कि यमुना जी की वीडियो, और भी मैंने कई कई जगहों पे जाके शूट करी है, यहाँ पे भगवान जी की ये मूर्ति रखी होती है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, ये यमुना जी की तस्वीर है जो कि DND के पास से मैंने बनाई है। मैं डेली यहाँ से निकलता हूँ, अपने ऑफिस जाता हूँ, तो रास्ते में कई बार ये ऐसे ही भगवान जी की मूर्तियां, चुन्नी, पूजा पूजा सामग्री का सामान जो कि लोग पूजा करते हैं रख जाते हैं, अच्छा नहीं लगता। आप देखिए, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, आपको सारी मैंने वीडियो बना के दिखाई है। और ये, और इसके बाद मैंने आपको कुछ और जगह की वीडियो भी दिखाता हूँ जो कि गली वगैरह में भी मैंने देखी है, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। गली वगैरह में देखिए भगवान की फोटो कैसे रखी हुई है। फ्रेंड्स, तो ये एक दीवार है, इस पे आप देख सकते हैं ओम का चिन्ह बना हुआ है कि इस पे लोग गंदगी ना फैलाए, और कुछ मूर्तियां नीचे भी हैं, और भी भगवान की फोटो है कई सारी, और मंदिर का प्रसाद है, साईं बाबा जी की है, और भी आ गए हैं भगवान की फोटो। तो फ्रेंड, यही हम बताना चाहते हैं, ऐसे इन्होंने ये भगवान की फोटो लगा दी कि गंदगी ना करें, बट देख सकते हैं आप इस पे कितनी गंदगी है। तो इन्हीं चीज के लिए हम बोल रहे हैं कि प्लीज ये ना करें। लोग इसलिए ये लगाते हैं कि इस अगर हम फोटो लगा देंगे तो लोग गंदगी नहीं फैलाएंगे, या टॉयलेट वगैरह ना करें, जो कि अब तो हर जगह जगह पर शौचालय है, तो ये प्लीज गंदगी ना करें, यही हमारा मकसद है दिखाने का। आप ऐसा आप लोग भी देखते ही होंगे हर जगह। तो दोस्तों, ऐसे ही मैं एक दिन फेसबुक देख रहा था, फेसबुक में मेरे को एक चैनल दिखा, उसमें मैंने देखा कि एक लेडी है जो कि बहुत अच्छा काम कर रही है, जो कि नासिक महाराष्ट्र की है, उनकी उनका मैंने वीडियो देखा, वो यही काम करती हैं जो कि हम ये मूर्ति वगैरह ये रखते हैं लोग, वो कुछ उत्तर पूजा होती है वो करवाने के बाद इन मूर्तियों को डिसॉल्व करती हैं, मतलब उस मूर्तियों को खत्म करती हैं, जो कि कुछ पेपर को अगर खत्म करेंगी तो उससे भी वो कुछ चीज बनाती है, अगर मिट्टी की कुछ चीज है तो उससे भी वो कुछ चीज बनाती है, मतलब बनाती मीन्स की कुछ यूज कर पाए किसी चीज को। तो जैसा कि वो क्या करेंगी, उन मूर्ति की पूजा वगैरह करवाती हैं,
कि जिससे कि जिसने पूजा करी है उनकी पूजा भी लगी रहे और वो उस मूर्ति को या फोटो को या जो भी वो चीज है उसको रिसाइकल करती हैं, और रिसाइकल करके वो कोशिश करती हैं अगर उस चीज का कुछ और कुछ बन पाए कि किसी की मदद हो पाए वो भी करती हैं। तो मैं स्क्रीन पे आप देख सकते हैं मैं उनकी ईमेल आईडी लिख रहा हूँ, तो वह बहुत अच्छा काम कर रही हैं। उनकी फाउंडेशन का नाम है संपूर्णम सेवा फाउंडेशन, जो कि नासिक में स्थित है और नासिक महाराष्ट्र में है। तो मैं उनकी ईमेल आईडी लिख देता हूँ, आप ईमेल आईडी देख सकते हैं नीचे, आप इनको ईमेल करें अगर आप भी ये इस जो भी ये काम हो रहा है या ये मूर्ति वगैरह रखते हैं इसमें भी आपको अगर दिल दुखता है, अच्छा नहीं लगता, जिनकी आप पूजा करते हैं वही आपको ऐसे रखे हुए मिलते हैं, तो आप ये कहीं से भी उठाएं, उनको आप कूरियर कर सकते हैं और आप इनसे कॉन्टेक्ट करें, ईमेल आईडी पे ईमेल करें, वहां से आपको रेस्पॉन्स जरूर आएगा ऐसा हम सोचते हैं। और आप ये काम अपने देश के लिए, अपने भगवान के लिए, ये हर सब के लिए कर सकते हैं। तो एक तो ये है, और दूसरा आप कुछ ऐसी भगवान की आप मूर्ति लें जो कि आप क्लीन करके दोबारा से उनकी पूजा कर पाए। मैंने लक्ष्मी गणेश जी की एक ऐसी ही मूर्ति ले रखी है, आपको मैं फोटो दिखा देता हूँ अपने मंदिर की। तो ये मैं हर साल दिवाली के टाइम पे इनको अच्छे से क्लीन करता हूँ, इनका कलर भी नहीं उतरता, और मैं यही मूर्ति की हमेशा पूजा करता हूँ कि मुझे बार बार भगवान की मूर्ति चेंज ना करनी पड़े। तो ये दो मेरे को सॉल्यूशन इसके दिखे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप भी अगर आपके पास भी कोई और सॉल्यूशन है तो हमसे शेयर करें, और आप अगर करना चाहते हैं कुछ तो आप ईमेल के जरिए वहां पे भी भेज सकते हैं, या फिर कुछ आप इस तरीके का सोचिए जैसा मैंने कुछ सोचा है। तो दोस्तों मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप ऐसा ही करेंगे जिससे हमें भी अच्छा लगेगा, हमारे देश के लिए भी बहुत अच्छा है, और जिनकी श्रद्धा भगवान से जुड़ी हुई है हम उनसे क्षमा चाहेंगे। अगर किसी का दिल दुखा है, हमारी कोई ऐसी लाइन आपको बुरी लगी हो, क्षमा चाहेंगे, बट हमारा कुछ ऐसा सोच नहीं थी, कोई ऐसी इंटेंशन नहीं है कि किसी को हम बुरा लगाए, बस हम कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं। तो अगर आपको हमारा काम अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जो कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी तो इस पे काम होगा, हमें बहुत अच्छा लगेगा और ये सबके लिए बहुत अच्छा है। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कोई हमारी वीडियोस नए पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें और ज्यादा मोटिवेशन दे कि हम और अच्छे अच्छे आगे आप तक वीडियो पहुंचा पाए। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, नमस्कार।